हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस किचन। आज मैं आपको राजस्थानी कैर सांगरी की सब्जी बनानी बताऊंगी। यह सब्जी शाही सब्जी में आती है। आप इसे शादी पार्टी कोई भी फंक्शन पर बनाकर खा सकते हो। यह सब्जी कई दिनों तक खराब नहीं होती है। कैर सांगरी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कटोरी सांगरी ली है, 3/4 कटोरी मैंने यहाँ पे कैर लिए हैं और 10-15 मैंने यहाँ पे काजू लिए हैं और ये मैंने किशमिश लिए हैं, 4-5 मैंने साबुत मिर्ची ली है। इन सभी चीजों को मैंने 3 से 4 घंटे पानी में भिगो दिया है और कैर और सांगरी दोनों को मैंने अच्छे से 3-4 बार वॉश कर लिया है और उसका पूरा डस्ट अंदर से निकल गया है। सबसे पहले मैं कैर सांगरी को बॉईल करूंगी। बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कुकर लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ ये सांगरी। ये कैर भी ऐड कर देती हूँ इसके अंदर और थोड़ा सा पानी, 1 गिलास पानी ऐड किया है मैंने इसके अंदर। मैं इसको बॉईल करूंगी और 1 सीटी आने तक इसको बॉईल करना है। ज्यादा सीटी नहीं लेनी है। पहले पानी में इसको 3-4 घंटे भिगो दिया, इस वजह से ये देखो सांगरी और कैर दोनों मुलायम पड़ गए हैं। तो सांगरी को ज्यादा बॉईल नहीं करना है, बिल्कुल खड़ी खड़ी रहे ऐसी सांगरी रखनी है। 1 सीटी आ गई है, कुकर का प्रेशर भी खत्म हो गया है। अब मैं इसे खोल कर देख लेती हूँ। ये देखो सांगरी उबल कर तैयार हो गई है, बिल्कुल खड़ी खड़ी सांगरी है, टूटी नहीं है। अब मैं इसे साफ पानी में धो लेती हूँ और इसका पानी निकाल लेती हूँ। कढ़ाई में मैंने बड़े वाले 2 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया है, अच्छी सी हीट आने लग गई। जीरा ऐड कर देती हूँ, 1 पिंच हींग, तेज पत्ते, लौंग और काली मिर्च का पाउडर, लहसुन और अदरक का पेस्ट, 2 कटी हुई प्याज। प्याज का कलर चेंज होने तक हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। रेड चिल्ली ऐड कर देती हूँ, भीगे हुए काजू, भीगे हुए किशमिश, इसको मैं 1 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ। मैंने इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सूखे मसाले, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। अब मसाले को लो फ्लेम पर छोड़ देती हूँ ताकि इस पे अच्छी सी तरी आ जाए और मसाला पक जाए। सब्जी पे अच्छी सी तरी आ गई है। 1 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला। कैर सांगरी ऐड कर देती हूँ इसके अंदर, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए कैर सांगरी के अंदर और इसे मैं अब अच्छे से मिला लेती हूँ। मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसे बंद करके 5 मिनट तक लो फ्लेम पर और पका लेती हूँ ताकि मसाले अच्छे से कैर सांगरी में मिल जाए। सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे सर्व कर देती हूँ। मैंने सब्जी को सर्व कर दिया है। राजस्थान की कैर सांगरी की सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार हुई है। कैर सांगरी राजस्थान में ही होते हैं और ये बहुत ही महंगे मिलते हैं और इसकी सब्जी बिल्कुल शाही सब्जी जैसी बनके तैयार हुई है। आप इसे कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हो, सब्जी खराब नहीं होती है ये। आप इसे चपाती, नान किसी के भी साथ खा सकते हो और आप इसे एक बार बनाकर ट्राई जरूर करना।